नमस्कार आप देख रहे हैं आज की आवाज न्यूज इंडिया मां नर्मदा कावड़ यात्रा समिति सिवनी मालवा के तत्वधान में संत श्री उमरनाथ जी महाराज के संदिग्ध में निकलने वाली माँ नर्मदा कावड़ यात्रा आयोजन की समिति की बैठक गजानन आश्रम अवलीघ पर सम्पन्न हुई सिवनी मालवा के क्षेत्र में गत नौ वर्षो से लगातार निकलने वाली कावड़ यात्रा की तिथि श्रवण शुल्क चतुर्थी चार अगस्त रविवार को प्रारंभ होगी जो की पांच अगस्त श्रवण सोमवार नाग पंचमी के पर्व पर तिलक सिंदूर पहुंचेगी यात्रा के आयोजन के संदर्भ में आयोजित बैठक में बड़ी संख्या में समिति के सदस्यगण उपस्थित हुए यात्रा के प्रचार प्रसार एवं अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में विस्तार चर्चा हुई उल्लेखनीय है कि गजानन आश्रम आंवलीघाट के संत उमानाथ जी महाराज के संदिग्ध में पिछले आठ वर्षो से आवलीघाट से तिलक सिंदूर महादेव तक लगभग 46 किलोमीटर का सफर करने वाली कावड़ यात्रा निकाली जाती है जिसमें हजारों की संख्या में कावड़िए माँ नर्मदा का जल लेकर पैदल तिलक सिंदूर महादेव पहुँचते हैं जहाँ पर सतपुड़ा की गोद में स्थित भगवान तिलक सिंदूर महादेव के मंदिर में अभिषेक करते हैं ऐसी मान्यता है कि अज्ञात बस के दौरान पांडव घाट के आसपास निवास करते थे और माँ नर्मदा का जल लेकर तिलक सिंदूर महादेव पहुंचकर अभिषेक करते थे वहीं तिलक सिंदूर महादेव का एक ऐसा अद्भुत स्थान है जहां पर भोलेनाथ की शिवलिंग ऐसे पौराणिक महत्व की यह यात्रा नौबे वर्ष में प्रवेश कर रही है बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे सिवनी मालवा से प्रमोद पटेल की खास रिपोर्ट